किताब का 19वां सबक है हिस्से गज़ल की तीसरी गज़ल है। एक्सरसाइज के सवालों को हम हल कर रहे हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमसे क्या तकाजा किया गया है। तो तीसरा सवाल आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के लफ्ज़ आए हैं, ये मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसे अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं, मुंदरिजा ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, नादान, दिन, नेकी, मौत, आज़ाद। आइए बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हसबे रिवायत दो कालम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ लिखेंगे मुतज़ाद। तो बढ़ते हैं अल्फाज और उनके मुतज़ाद बनाते हैं। तो पहला लफ्ज़ है नादान, इसके सामने आप लिख देंगे दाना। फिर है दिन, इसका मुतज़ाद आप लिखेंगे रात। फिर है नेकी, इसके सामने आप लिख देंगे बदी। मौत, इसका मुतज़ाद है हयात। आज़ाद, इसके सामने आप लिख देंगे ग़ुलाम। सवाल नंबर 3 में कुछ अल्फाज दिए गए थे, हमसे कहा गया था कि इनके मुतज़ाद बनाएं, इनके उलट बनाएं। तो मुतज़ाद जो हैं वो मानवी एतबार से होते हैं, मुख्तलिफ मानी रखते हैं। तो हमने इसका हल आपके सामने पेश किया, आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।